never slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं डेविड लंडूरे को जो कि एक बहुत बड़े टॉक शो का होस्टर है जिसमें वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को अपने अड्डे पर बुलाता है बिल्कुल कपिल शर्मा की तरह जिनके वो लाइव टीवी पर पूरी दुनिया के सामने मजे लेता है जिस काम में उसका साथ देता है चड्डी में चड्डी दोस्त चिलगांडर मिस्त्री जो कि उस शो को डायरेक्ट करता है और इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है। दूसरी तरफ हम नॉर्थ कोरिया में देखते हैं जहां एक परमाणु मिसाइल की टेस्ट लॉन्चिंग होती है जो मिसाइल इतनी क्षमता रखती थी कि वो नॉर्थ कोरिया से उड़कर आसानी से अमेरिका की गींड में बारूद भर सकती है। जो खबर सचमुच चिंताजनक थी तो वो हर न्यूज चैनल पर चलाई जाती है जिस वजह से आज का टॉक शो कुछ ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाता जिसमें वो डेविड लंडूरे से कहते हैं मेरे भाई हमारे टॉक शो को करोड़ों लोग देखते हैं जिन्हें हम सिर्फ बकवास दिखा रहे हैं जिन बकवास की उन्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमें कुछ सीरियस करना होगा जिसमें हमें बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू लेने होंगे और दुनिया को दिखाना होगा कि हम सिर्फ हंसी मजाक नहीं करते हम सच्चाई दुनिया के सामने लाते हैं। डेविड लंडूरे कहता है बस इतना सा चिंता मत कर हो जाएगा। जिसके बाद हम ऑफिस में देखते हैं जहां चिलगांडर मिस्त्री जब किसी बड़े आदमी से बात कर रहा था तभी वहां डेविड लंडूरे आता है और कहता है ये सब बकवास छोड़िए आर्टिकल देख जिसमें हम नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग गू को देखते हैं जिस आर्टिकल में लिखा हुआ था कि भड़विका किम जोंग गू हर रोज उनका टॉक शो देखता है जो कि उसे बहुत पसंद है। अब मेरे जिन भाइयों को नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग गू के काले कारनामों के बारे में नहीं पता तो मैं उन्हें थोड़ा सा बता देता हूं क्योंकि उन सब बातों का इस फिल्म से बहुत कुछ लेना देना है। वैसे तो किम जोंग गू एक आम आदमी है बोले तो उसकी रगों में भी खून ही बहता है पर वो अपने आप को अपने देश का भगवान मानता है क्योंकि वहां के लोगों ने उसको वो दर्जा दे रखा है जो कि पिछले 80 सालों से नॉर्थ कोरिया पर लुल्ला राज करता आ रहा है जिसमें उसका बाप और उसका दादाजी भी शामिल है। किम गू जब भी कहीं जाता है तो हमेशा अपना गू खाना लेकर जाता है ताकि कोई भी उसके गू का सैंपल कलेक्ट करके उसके शरीर की बीमारियां ना पता कर सके। और तो और इस गधे के देश में 3 जनरेशन वाला रूल चलता है जिसका साफ साफ मतलब ये है कि अगर किसी आदमी ने कोई गलती की तो उसकी गलती की सजा उसको तो मिलेगी ही साथ में उसके परिवार को भी मिलेगी और आने वाली 3 पीढ़ियों को भी मिलेगी जिसमें उन्हें लेबर कैंप में डाल दिया जाता है और उनसे 12 से 18 घंटे मजदूरी करवाई जाती है और खाने के नाम पर उन्हें लोड़ा भी नहीं दिया जाता जिस वजह से उन्हें कीड़े मकोड़े और चूहे खाने पड़ते हैं। किम जोंग गू ने अपने लुल्ला राज में सारी मीडिया को खरीद रखा है जिस वजह से टीवी पर सिर्फ 2 न्यूज चैनल आते हैं जिनमें सिर्फ किम जोंग गू के कारनामों का ही गुणगान गाया जाता है और एंटरटेनमेंट के नाम पर सिर्फ 3 चैनल आते हैं जो कि वहीं के लोकल चैनल्स हैं। नॉर्थ कोरिया के अंदर इतनी गरीबी है कि वहां 40 से 50% लोग कुपोषण के शिकार हैं बोले तो उन्हें पर्याप्त खाना नहीं मिलता पर फिर भी किम जोंग की गींड में इतना बड़ा खड़ा बाल है कि वो जबरदस्ती बड़े बड़े देशों से पंगे लेता रहता है कि साले तेरे देश को बीड़ी की तरह जला दूंगा अपने परमाणु हथियार से। और तो और उस साले ने सोनी पिक्चर्स को ये मूवी रिलीज ना करने की धमकी दी थी पर सोनी किसकी सुनने वाला था वो उसकी धमकियों को इग्नोर कर देता है और इस फिल्म को मार्केट में रिलीज कर देता है जिस वजह से किम को गुस्सा आ जाता है तो वो अपने हैकर्स द्वारा सोनी पिक्चर्स के सर्वर को हैक करवाता है और उनकी सारी पर्सनल डिटेल्स जैसे कि कौन कौन सी फिल्में आने वाली हैं, वो किस किस पर काम कर रहे हैं सारी डिटेल्स को मार्केट में लीक करवा देता है जिससे होता तो कुछ नहीं बस सोनी पिक्चर्स की आने वाली अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 कैंसिल हो जाती है जिस वजह से स्पाइडरमैन आपको मार्वल यूनिवर्स में देखने को मिलता है। खैर ये तो थी किम जोंग गू के बारे में बातें। अब मूवी की स्टोरी पर वापस आते हैं जिसमें जब डेविड लंडूरे को पता चलता है कि वो उनके टॉक शो का बहुत बड़ा फैन है तो वो उस भड़वे का इंटरव्यू लेने का फैसला करते हैं क्योंकि किम जोंग का इंटरव्यू आज तक किसी ने नहीं लिया था और किसी ने उस बारे में सोचा भी नहीं था जिसके लिए वो नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट को मेल करते हैं। और एक दिन जब चिलगांडर मिस्त्री अपने घर की तरफ जा रहा था तभी उसके पास नॉर्थ कोरिया के सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिकेशन की कॉल आती है जो कि उससे कहता है कि उन्हें सिक्योरिटी रीजन की वजह से फेस टू फेस मिलकर इंटरव्यू के बारे में बात करनी होगी और उसे मिलने की जगह का लोग्निट्यूड और लैटिट्यूड बताया जाता है जो कि मौजूद है चाइना
में बैंग बैंग शहर से 50 किलोमीटर दूर लेफ्ट साइड में, जहां पहुंचने के लिए अपना चिलगांडर प्लेन पकड़ता है और एक मैप खरीदकर चाइना पहुंचता है, जिसके बाद वो एक ट्रेन पकड़ता है और कई किलोमीटर पैदल चलकर एक पहाड़ी पर पहुंचता है, जहां पहुंचते पहुंचते उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो वहीं बेहोश हो जाता है। तभी कुछ देर बाद वहां एक हेलीकॉप्टर लैंड होता है जिसमें से कुछ सिपाही उतरते हैं और फिर आती है नॉर्थ कोरिया की कमांडर चूची सिकंदर, जिसकी खूबसूरती देखकर चिलगांडर की फटी रह जाती है कि यार ये क्या बवाल चीज है, जो कि सीधा मुद्दे पर आते हुए कहती है हमारे प्रेसिडेंट सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने एक घंटे के इंटरव्यू की परमिशन दे दी है, जिस इंटरव्यू के लिए तुम्हें नॉर्थ कोरिया आना पड़ेगा और जो भी क्वेश्चन तुम पूछोगे वो किम जोंग द्वारा ही लिखे जाएंगे, तुम्हारे पास सोचने के लिए सिर्फ 24 घंटे का टाइम है। चिलगांडर कहता है बस इतना ही बताना था क्या, ये सब तो तुम लोग भी इनके लोडो फोन पर भी बता सकते थे या फिर स्काइप पर बता सकते थे, तुम्हारे देश में स्काइप तो चलता ही होगा, जिस पर कमांडर उसे कोई जवाब नहीं देती और वहां से जाने लगती है। चिलगांडर चिल्ला चिल्ला कर कहता है सुनो यार मेरे भाइयों, सुनो यार, कम से कम पीने के लिए मुझे पानी तो दे दो, मैं चूतिया हूँ जो यहाँ आया, पानी दे दो। तभी ऊपर हेलीकॉप्टर में से एक चिरकुट सी पानी की बोतल आकर गिरती है कि ले साले पीले पानी, मरा जा रहा था प्यासा। खैर इस सब के बाद जैसे तैसे करके वो अपने देश पहुंचता है और डेविड लंडूरे को सारी बातें बताता है, जिसमें वो सारी दुनिया के सामने ऐलान कर देता है कि वो फेस टू फेस किम जोंग उन का इंटरव्यू लेगा, जो कि इस सदी का अब तक की सबसे बड़ी हस्ती का इंटरव्यू होने वाला है। अब ये बात आग की तरह फैल जाती है तो CIA के लोग उनसे मिलने आते हैं, जिसमें इस लड़की का नाम है एजेंट सटोरी। अब मेरे जिन भाइयों को सटोरी का मतलब नहीं पता, मैं उन्हें बता देता हूँ कि सट्टा लगाने वाले को सटोरी कहा जाता है, और ये भी यहाँ सट्टा लगाने आई थी उन दोनों पर, जिसमें वो अपना कोट उतारकर डेविड को अपनी बड़ी बड़ी बूबी दिखाते हुए बताती है कि उनके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है नॉर्थ कोरिया के जल्लाद प्रेसिडेंट को मारने की। अब डेविड लंडूरे का पूरा ध्यान एजेंट सटोरी की बड़ी बड़ी बूबी पर था, तो वो उसकी हर बात को हाँ कर देता है कि उनका जो भी प्लान है उन्हें मंजूर है, क्योंकि वो अपने दिमाग से नहीं अपने घोड़े से सोच रहा था। खैर अगले दिन उन्हें CIA हेडक्वार्टर्स बुलाया जाता है, जहाँ सटोरी उन्हें बताती है कि उन्हें बस ये एक बैंडेज जैसी दिखने वाली चीज को अपने हाथ पर चिपकाना है, जिसके बाद उन्हें किम जोंग उन से हाथ मिलाना है, जिससे होगा तो कुछ नहीं, बस बैंडेज में लगा हुआ जहर किम जोंग उन के शरीर में घुस जाएगा और 12 घंटों के अंदर अंदर उसका देहांत हो जाएगा और किसी को भी उन दोनों पर जरा भी शक नहीं होगा। जिसके बाद उनकी हाथ मिलाने की प्रैक्टिस करवाई जाती है और उन्हें भेज दिया जाता है नॉर्थ कोरिया, जहां पर बहुत सारे लोग उनके स्वागत में खड़े थे, और तो और वहां कमांडर चूची सिकंदर भी आई थी, जिसके बाद वो किम जोंग के पैलेस की तरफ बढ़ते हैं। कार में डेविड उससे पूछता है मैंने सुना है कि तुम्हारे देश में हर कोई भूख से मर रहा है, क्या ये बात सच है? कमांडर कार को तुरंत एक ग्रोसरी स्टोर के सामने रुकवाती है, जिस स्टोर को डेविड खचाखच सामान से भरा हुआ देखता है और स्टोर के सामने बाहर खड़े एक मोटे बच्चे को भी देखता है। कहता है इस मोटे बच्चे को देखकर तो नहीं लगता कि इस देश में कोई भी भूख से मरता होगा। खैर आगे वो जल्द ही किम जोंग उन के पैलेस तक पहुंच जाते हैं, जो कि उनकी सोच से भी ज्यादा बड़ा था और आलीशान था, जहां अंदर जाने से पहले उन दोनों की चेकिंग की जाती है और एक ऑफिसर को डेविड के बैग से वही बैंडेज मिलती है, जिसे देखकर ऑफिसर उससे पूछता है ये क्या है? डेविड कहता है ये मेरी च्युइंगम है, जिसको वो ऑफिसर अपने मुंह में डालता है और थोड़ी सी चबाता है। कहता है यार इसमें तो कोई भी स्वाद नहीं है, तुम्हारे अमेरिका में क्या ऐसी ही बेस्वाद च्युइंगम होती है? और उसे थूक देता है। आगे उन्हें उनका रूम दिखाया जाता है, जहां चिलगांडर CIA एजेंट को अपनी सैटेलाइट वॉच की मदद से कॉल करता है और उन्हें बताता है कि उनके पास अब एक भी जहरीली बैंडेज नहीं है, जिस पर वो कहती है ठीक है मैं ड्रोन की सहायता से वहां बैंडेज भेज रही हूं, तुम्हें पैलेस के बाहर जंगल से उसको रिसीव करना होगा। जिसको रिसीव करने के लिए चिलगांडर मिस्त्री काले कपड़े पहनकर घिसड़ता हुआ एयर ड्रॉप की जगह पर पहुंचता है, लेकिन तभी वहां साइबेरियन टाइगर आ जाता है जो उस पर हमला कर देता है। इतने में ही एयर ड्रॉप वाला कैप्सूल टाइगर पर आकर गिरता है, जिससे वो टाइगर वहीं ढेर हो जाता है। जिन सब हरकतों की आवाज सुनकर गार्ड जंगल में उस तरफ आने लगते हैं और किसी भी तरह से अब चिलगांडर को वो कैप्सूल उनसे छुपाना था, जिस पर एजेंट सटोरी उससे कहती है कैप्सूल को अंदर डाल लो वरना वो लोग तुम्हें गोली से भून देंगे। वो कहता है अंदर कहाँ डालू, मेरे पास तो कोई जगह नहीं है। एजेंट कहती है अबे साले तेरी बड़ी सी गींद के छेद में डाल ले अगर तुझे अपनी जिंदगी बचानी है तो।
वो कहता है नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि ये कैप्सूल सच में बहुत बड़ा है। एजेंट कहती है देख कैप्सूल पर टाइगर का खून लगा हुआ है जो थूक का काम करेगा, फैसला तेरे हाथ में है, करो या मरो। अब गार्ड्स को तेजी से अपनी तरफ बढ़ता देख वो फटाफट डरकर कैप्सूल को अपने छेद में डालता है जो कि सब कुछ फाड़ता हुआ अंदर जाता है। गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और उनके रूम की चेकिंग लेते हैं, जिसके साथ साथ वो चिलगांडर को नंगा करके उसकी पूरी चेकिंग करते हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। जिनके जाने के बाद वो उस कैप्सूल को निकालता है और हम देख पाते हैं कि वो कैप्सूल सच में बहुत बड़ा है। खैर वो उस कैप्सूल को खोलता है जिसके अंदर कंजूस CIA वालों ने दो जहरीली बैंडेज भेजी थी, जिसमें से एक बैंडेज को वो अपने पास रख लेता है और दूसरी वो डेविड को दे देता है। तभी वहाँ किम अपने गार्ड्स के साथ आता है और डेविड को हाय हेलो बोलता है, कहता है मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ, जिसमें वो उसे गिफ्ट देता है जो कि डेविड का ही स्टैचू था, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है और उसे थैंक यू बोलता है। अगली सुबह किम जोंग डेविड लंडूरे को अपने साथ घुमाने ले जाता है, जहाँ डेविड उससे कहता है यहाँ आने से पहले मैं सोचता था कि ये देश सचमुच कबाड़खाना होगा, पर ऐसा नहीं है, मैंने यहाँ के बारे में बहुत झूठी झूठी बातें सुनी है, जैसे कि यहाँ के लोग भूखे मरते हैं वगैरह वगैरह, पर मैंने रास्ते में एक ग्रोसरी स्टोर देखा और एक मोटा लड़का देखा जिससे ये साफ हो जाता है कि यहाँ पर कोई भी भूखा नहीं मरता। किम कहता है हाँ मैं उन सभी अफवाहों के बारे में जानता हूँ जो पूरी दुनिया में मेरे देश के बारे में और मेरे बारे में फैली है, जिन सभी अफवाहों का पत्ता काटने के लिए ही तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। जिसके बाद वो डेविड को अपना कार कलेक्शन दिखाता है जिसमें बहुत महंगी महंगी कारें थी, और तो और वहाँ एक टैंक भी था जिसे देखकर डेविड की फटी रह जाती है। वो पूछता है क्या ये असली है, किम कहता है खुद अंदर चलकर देख लो, जहाँ टैंक के अंदर का नजारा देखकर डेविड बहुत खुश हो जाता है और कहता है मेरे दोस्त मेरे भाई तेरे बारे में सारी दुनिया वाले जो भी कहते हैं ना सब गलत है, तू सचमुच एक गजब का और दरिया दिल आदमी है। तभी डेविड वहीं पर रखे हुए एक म्यूजिक सिस्टम को चला देता है जिसमें केटी पेरी के गाने बजने लगते हैं, जिनको सुनते ही किम थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और कहता है यार ये लड़कियों का गाना मैं कभी नहीं सुनता, मेरी वाइफ ने लगा दिया होगा। डेविड कहता है किसी ने भी लगाया हो पर ये गाना मुझे सचमुच बहुत पसंद है, मैं बस हर वक्त बस यही गाना सुनता रहता हूँ। किम कहता है सच बता दोस्त मजाक कर रहा है ना तू, वो कहता है नहीं केटी पेरी हमेशा अपने गानों में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है, जैसे तुपाक देता था और अपना सिद्धू मूसेवाला देता था। किम उससे पूछता है अच्छा क्या तुम्हें भी लगता है कि मार्गरीटा गे है, डेविड कहता है नहीं यार वो पीने में मीठी है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मार्गरीटा पीने वाले लोग गे हैं, जो बात किम को बहुत पसंद आती है। जिसके बाद वो दोनों टैंक को बाहर मैदान में ले जाते हैं और केटी पेरी के गाने फुल वॉल्यूम में बजाते हैं और खूब मस्ती करते हैं, जिसके बाद वो टैंक से एक गोला जंगल में फायर करते हैं जिसमें उन्हें बहुत मजा आता है। आगे वो दोनों बास्केटबॉल खेलते हैं और एक दूसरे से अपनी पर्सनल बातें शेयर करते हैं क्योंकि वो अब दोस्त बन चुके थे, जिसमें किम उसे बताता है कि मैं 31 साल का हूँ और पूरे नॉर्थ कोरिया को चलाता हूँ और यहाँ के लोग मुझे भगवान का दर्जा देते हैं, पर मेरे पिता ने मुझसे मरते वक्त कहा था कि तू कुछ भी करने में सक्षम नहीं है, जिससे मेरा दिल टूट गया था क्योंकि परमाणु बम से भी ज्यादा विनाशकारी किसी इंसान के मुंह से निकलने वाले शब्द होते हैं। अब किम का पार्टी करने का मन करता है तो वो उसके पूरे देश में से चुनी हुई टिपटॉप लड़कियों की वहाँ लाइन लगवा देता है और शुरू होती है दमादम वाली पार्टी, जिसमें वो दोनों एक दूसरे से ऐसे घुल मिल जाते हैं जैसे कि वो बचपन में बिछड़े हुए भाई थे। जिस पार्टी के बाद डेविड अपने रूम में पहुंचता है और चिलगांडर से कहता है कि यार किम जोंग एक गजब का आदमी है, अगर मैं कहना चाहूं तो आज का दिन मेरी पूरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था, हमने टैंक चलाया बास्केटबॉल खेला लड़कियों की पिंकी बजाई मार्गरीटा पी, सचमुच यार गजब का आदमी है किम जोंग, उसके बारे में लोग खामखा अफवाह फैलाते हैं क्योंकि वो उसका जैसा नहीं बन सकते। और रही बात अपने देश अमेरिका की तो हमें हर किसी के फटे में टांग घुसाकर सारा मामला खराब करने की आदत है। चिलगांडर कहता है अबे साले तुझे पता है ना किम जोंग को मीडिया वाले पागल बनाना कितना अच्छे से आता है और साले तू मीडिया वाला ही है। डेविड कहता है हाँ मैं हूँ मीडिया वाला, पर मैं अकेला वो इंसान भी हूँ जिसने उसके साथ टाइम बिताया है। ये देश सचमुच एक अच्छा और तरक्की वाला देश है, फालतू में लोगों ने इस देश के बारे में झूठी धारणाएं बना रखी है। जिसके बाद वो दोनों किम जोंग के साथ कुछ बच्चों की परफॉर्मेंस देखते हैं, तभी वहाँ पर एक गार्ड की हालत खराब होने लगती है, जो कि वही गार्ड था जिसने उस जहरीली बैंडेज को च्युइंगम समझकर खा लिया था। उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो खुद को शूट करने की कोशिश करता है, जिसको ऐसा करने से रोकने के लिए एक गार्ड उसके सामने आता है तो वो भी उसका शिकार हो जाता है, जिस वजह से वो दोनों गार्ड वहीं मर जाते हैं। जो सब देखकर किम जोंग जोर
जोर जोर से रोने लगता है और तो और वहां पर मौजूद सभी लोग रोने लगते हैं क्योंकि आजकल वफादार लोगों की कमी जो हो गई है। अगली सुबह डेविड को उन दोनों गार्ड्स के मरने का बहुत दुख था, जिसमें वो कहता है, मेरे भाई मैं ये मिशन नहीं करूंगा, मैं अब किसी और बेकसूर की जान नहीं लूंगा। चिलगांडर उसको समझाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो नहीं समझता और उस बैंडेज को पानी में डाल देता है। लेकिन चिलगांडर के पास अभी भी एक बैंडेज थी जिसको वो अपने हाथ में लगाकर किम से हाथ मिलाने ही वाला होता है कि डेविड वो सब कुछ समझ जाता है और उसे ऐसा करने से रोक देता है। आगे रात के टाइम वो किम जोंग के साथ डिनर करता है जहां पूरे देश के बड़े बड़े ऑफिसर मौजूद थे। अब किम को उसके दो गार्ड मरने का बहुत दुख था, जिसमें उसको गुस्सा आ रहा था, तो वो ऐलान कर देता है कि वो अपने हर दुश्मन देश पर परमाणु से हमला करेगा। जो सब डेविड को बहुत बुरा लगता है तो वो उस मीटिंग से उठकर बाहर आ जाता है, जहां वो कुछ देर पैदल चलता है तो उसी ग्रोसरी स्टोर तक पहुंच जाता है जहां उसने वो मोटा बच्चा देखा था। वो ग्रोसरी स्टोर में जाता है और पाता है कि यहाँ पर तो सब कुछ नकली है, यहाँ तक कि यहाँ पर जो भी फल फ्रूट रखे थे वो सभी नकली थे। दूसरी तरफ कमांडर चूची सिकंदर इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों की लिस्ट लेकर चिलगांडर के पास पहुंचती है, जहां वो दोनों एक दूसरे से काफी बातें करते हैं, जिसमें कमांडर उसे बताती है कि वो अपने प्रेसिडेंट किम जोंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती क्योंकि वो अपने देश के लोगों को अंधेरे में धकेल रहा था, जिसके बाद वो दोनों किस करने लगते हैं और दे दमादम गेम बजाते हैं। तभी वहां गुस्से में डेविड पहुंचता है, जिस वजह से कमांडर को वहीं अदनंगे कपड़ों में छुपना पड़ता है। डेविड चिलगांडर को बताता है कि किम जोंग गू एक बहुत बड़ा फ्रॉड आदमी है, उसने मुझको अब तक जो भी कुछ दिखाया या बताया सब कुछ झूठ और नकली था, यहाँ तक कि वो ग्रोसरी स्टोर और वो मोटा लड़का भी शायद नकली ही था, हमें उसे मारना ही होगा, क्या तेरे पास अभी भी वो जहर है? जो सुनकर कमांडर कपड़ों से बाहर निकलती है, जिसे देखकर डेविड डर जाता है। चिलगांडर उसको शांत करते हुए कहता है, दोस्त ये हमें मारने नहीं आई बल्कि ये हमारे साथ है क्योंकि ये भी उससे नफरत करती है। जो डेविड से कहती है, हमारा प्रेसिडेंट चाहे कैसा भी हो पर तुम उसे मार नहीं सकते, तुम साले अमेरिकन एक ही बेवकूफी कितनी बार करोगे, तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया क्या मारना सोल्यूशन नहीं होता? अगर तुम लोग उसे मारोगे तो उसकी जगह लेने के लिए पहले से उसके सेनापति और उसके भाई मौजूद हैं। हमें उसे मारना नहीं है, बस हमें यहाँ के लोगों को ये दिखाना है कि वो एक आम आदमी है, कोई भगवान नहीं। डेविड पूछता है, लेकिन भीषणी की हम ये करेंगे कैसे? वो कहती है, अभी तू थोड़ा सा विहीन का लोड़ा है क्या? तू जिस काम के लिए आया है वही काम कर, उसका इंटरव्यू ले और उसको पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दे। आगे अब इंटरव्यू लेने का दिन आ जाता है। किम जोंग इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले डेविड को एक पिल्ला गिफ्ट करता है जो कि डेविड को बहुत पसंद आता है, जिसके बाद इंटरव्यू शुरू होता है, जिसको पूरी दुनिया और नॉर्थ कोरिया के लोग सारा काम धंधा छोड़कर देख रहे थे, जिसमें डेविड उससे पहले स्क्रिप्टेड क्वेश्चन पूछता है जिन सबका जवाब किम जोंग बड़ी ही सरलता से दे देता है, जिसमें वो पूरी दुनिया को दिखाता है कि वो सचमुच कितना गजब का लीडर है और उसे अपने देश और लोगों की बहुत चिंता है। तभी डेविड उसकी पैंट उतारने लगता है, कहता है, अगर तुझे अपने देश के लोगों की इतनी ही चिंता है तो तू उन्हें खाने के लिए क्यों नहीं देता? तेरे देश में हर 3 में से 2 लोग कुपोषण का शिकार हैं। जो सुनकर किम जोंग सन्न रह जाता है कि यार ये एकदम से जगह और जज्बात सब कैसे बदल गया। अब इससे पहले कि वो कुछ कहता, डेविड कहता है, क्या तुम्हारे लिए ये शर्मनाक नहीं है कि तुम्हारे देश के लोग भूखे मर रहे हैं और तुम अपने आप को उनके देवता के रूप में देखते हो? तुम साले हर साल परमाणु हथियारों पर $800 मिलियन खर्च करते हो और तुम्हारी जनता यहाँ भूखी मर रही है,
रही है, क्या कोई जवाब है तुम्हारे पास इसका? वहीं कंट्रोल रूम में ऑपरेटर जो किम जोंग गू के अंधभक्त थे वो उस ब्रॉडकास्ट को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन चिल गांडर और कमांडर चूची सिकंदर उन्हें ऐसा नहीं करने देते। वहीं इंटरव्यू में डेविड ने उसकी पैंट तो उतार ही दी थी, बस अब अंदर डालने की बारी थी, जिसमें वो कहता है, तू साले बहुत बड़ा फर्जी आदमी है, तूने मुझे गुमराह करने के लिए फर्जी ग्रोसरी स्टोर बनाया और एक फर्जी मोटा लड़का दिखाया, और तो और तूने मुझसे फर्जी दोस्ती करने की कोशिश की, तू तो साले इतना बड़ा चौदू है कि तू अपने पड़ोसी दोस्तों को आए दिन परमाणु हथियारों से उड़ाने की धमकी देता है, जबकि तेरे देश में खाने के लाले पड़े हुए हैं। किम जोंग जिसको गुस्सा आ रहा था वो कहता है, तुमसे जो सवाल दिए गए थे उन्हीं सवालों को पूछो। पर नहीं, डेविड अब उसकी पर्सनल बातों को छेड़ने लगता है, कहता है, तेरे बाप ने सही कहा था, तू साले सत्ता संभालने के लिए पैदा ही नहीं हुआ था, जो सुनकर वो रोने को आ जाता है, जिसके बाद डेविड उसको अच्छे से रुलाने के लिए केटी पेरी का गाना गाने लगता है, जिससे वो धाएं धाएं करके रोने लगता है। जिसको रोता देख नॉर्थ कोरिया की जनता समझ जाती है कि ये तो साला चोदू निकला, ये कोई भगवान भगवान नहीं है, ये तो टपोरी है। जिस सबसे किम को गुस्सा आ जाता है तो वो अपनी गन डेविड पर तान देता है। डेविड कहता है, अगर तूने मुझे गोली मारी तो मेरे मुंह से निकला एक एक शब्द सच्चा हो जाएगा। पर किम जोंग को किसी की नहीं पड़ी थी, इसीलिए वो लाइव टीवी पर सबके सामने उसे गोली से उड़ा देता है और अपनी न्यूक्लियर मिसाइल को लॉन्च करने के लिए चला जाता है। तभी डेविड फिर से खड़ा होता है और सभी को दिखाता है कि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी। जिसके बाद वो दोनों और डेविड किम जोंग गू का टैंक लेकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, जिनको रोकने के लिए किम जोंग अपना हेलीकॉप्टर लेकर वहां पहुंचता है और उन पर धड़ाधड़ गोलियां चलाने लगता है और उन पर अपनी मिसाइल भी दाग देता है, जिसके बदले में वो भी टैंक से एक गोला उस पर दाग देते हैं, जो हेलीकॉप्टर से टकराता है और किम जोंग गू वहीं मारा जाता है। कमांडर चूची सिकंदर उन दोनों को एक खुफिया रास्ता दिखाती है इस शहर से बाहर निकलने का। चिल गांडर उससे कहता है, तुम भी हमारे साथ चलो, यहाँ रुक कर क्या करोगी? वो कहती है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, मुझे अपने देश को संभालना है, मुझे ये देखना है कि इस बार सत्ता किसी गलत हाथों में ना जाए। जिसके बाद वो दोनों किस करते हैं और वो दोनों दोस्त उस खुफिया रास्ते से होकर दूसरी तरफ निकलते हैं, जहां से अमेरिका की सील टीम उन्हें पिक कर लेती है। जिसके बाद कुछ समय बीत जाता है और हम देखते हैं कि डेविड अब सभी का हीरो बन चुका है, उसने एक किताब भी लिखी है। नॉर्थ कोरिया अब एक गणतंत्र देश बन चुका है, जिसकी नई प्रेसिडेंट अपनी कमांडर चूची सिकंदर है, जो कि स्काइप पर अपने चिल गांडर से बात कर रही है, जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आप लोगों को मेरा काम अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। बहन चोद, आज तो गले की हालत खराब हो गई भाई।